हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में से फुल पटियाला सलवार की कटिंग बताएंगे। तो जिसके लिए हमने ये येलो कलर का 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा ये कपड़ा है इसका नाम बता दें, ये इसका नाम है क्रॉप। तो ये क्रॉप का कपड़ा है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है सलवारों के लिए। कई लोग पूछते हैं कि सलवारों के लिए कौन सा कपड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये कपड़ा सबसे बेस्ट है। तो देखिए, ये 2.5 मीटर जो कपड़ा है हमारा, इसमें से हम सबसे पहले अपने पार्ट निकालेंगे। तो पार्ट के लिए हम कपड़े को 4 तह में रखेंगे। ये देखिए, 4 तह में रखने के बाद इसमें से हम ऐसे करके पार्ट की चौड़ाई और लंबाई ले लेंगे। तो देखिए, ये हमने कपड़े को इस तरीके से कर दिया है लंबाई की साइड से, और अब इसमें से हम अपनी लंबाई लेंगे। जैसे हम इस सलवार को 40 इंच की बना के तैयार करेंगे, तो इसमें हम 35 इंच की लंबाई लेंगे मार्जिन समेत। हमने इसमें 2 इंच का मार्जिन भी ले लिया है। तो पहले हम लंबाई ले लेते हैं, उसके बाद हम इसकी चौड़ाई रखेंगे, बाद में पहले लंबाई कट कर लें। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 35 इंच तक निशान लगा लेंगे। और इस निशान को हम इस तरीके से सीधा मिला के और इसकी यहां से कटिंग कर देंगे, जहां से हमने निशान लगाया है। तो देखिए, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद इसमें से हम लेंथ कम करेंगे, चौड़ाई कम करेंगे। इसको ऐसे करेंगे तो हम इसकी जो चौड़ाई है, हम 7.5 इंच की मोहरी बना के तैयार रखेंगे, तो उसमें हम सिर्फ 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। तो हम यहाँ से टोटल मोहरी की चौड़ाई ले रहे हैं 8 इंच, 6 इंच की तैयार, 1.5 इंच ज़्यादा, तो थोड़ी सी 1 पॉइंट ज़्यादा है बस 6.5 में। और जो हमारा ये कपड़ा आपको दिख रहा है, कई लोग बोलते हैं कि कपड़ा ज़्यादा है, तो लेकिन हम आपको जो तरीका बताते हैं आप उसको देखा कीजिए कि हम किस तरीके से कपड़े को भी बचाते हैं बेल्ट के लिए, और इस सलवार को हम कैसे घेरदार बनाते हैं। अब इस बचे हुए कपड़े को हम यहाँ से पूरा कटिंग करके हटा देंगे। और यहाँ से इसके 2 पार्ट कर लेंगे। जैसे 4 तह में है कपड़ा मेरा, तो मुझे 2 पार्ट चाहिए, 4 कलियाँ चाहिए। तो देखिए, हमारे पास ये 2 पार्ट आ गए हैं, जिनकी चौड़ाई 8.5 इंच है और लंबाई 35 इंच है, सॉरी 8 इंच, पार्ट की चौड़ाई 8 इंच। अब उसके बाद यहाँ से हम बेल्ट के लिए कपड़ा ले लेंगे, और फिर हमारा जितना भी कपड़ा बचता है, तो देखिए अभी जो हमारा ये बच रहा है, इसमें से हमारा जो बेल्ट में ज्वाइंट भी लगता है थोड़ा सा, उसमें और मोहरी में काम आ जाएगा इस कपड़े में से। और आप चाहें तो मोहरी के लिए कोई और कपड़ा यूज कर सकते हो, इसमें से भी हमारी बेल्ट निकल जाएगी, थोड़ा सा हमें साइड में ज्वाइंट देना होगा बस। तो हम यहाँ से इस तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड में रख लेंगे ऐसे, और लेंथ देखेंगे, 7 इंच की बेल्ट तैयार होगी, उसमें हम 1.5 इंच ज़्यादा, तो उससे 8.5 एन की 8.5 इंच कपड़ा हम ले रहे हैं यहाँ से, और इस निशान को हम सीधा ही ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन की हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो देखिए, अब इसकी लंबाई बताते हैं हम आपको, हमें कितना कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा इसमें। देखिए, हमारे पास जैसे हमें अपनी बेल्ट चाहिए 24 इंच की, तो इसमें हमें 3 इंच कपड़ा और ज्वाइंट करना होगा, 21 हमारे पास है। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है, तो जो हमारा कपड़ा अभी बचा था पार्ट में से, उसी में से हम ज्वाइंट कर लेंगे।
अब देखिए आपके सामने हमारा जितना भी कपड़ा बच रहा है उसमें से हमारे पार्ट निकल जाएंगे, सॉरी कलियां निकल जाएंगी। तो उसके लिए हम कपड़े को इस तरीके से रखेंगे टू फोल्ड में। तो देखिए आपके सामने हमारा ये जितना भी कपड़ा बचा है पार्ट और बेल्ट निकालने के बाद उससे हम अपनी कलियां निकालेंगे। ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है। तो हमें लंबाई की तरफ से आसन का निशान लगाना है और चौड़ाई की तरफ से हमारी प्लेटें आएंगी। तो सबसे पहले हम एक साइड से निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे, जो लगाएंगे हम 7.5 इंच पे। अगर हम जैसे हमने पार्ट की लेंथ ली थी 35, अगर आपकी कली 35 इंच की नहीं बैठ रही है, अगर उससे छोटी बैठ रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपकी सलवार बहुत अच्छी बनेगी। अब एक निशान हम इस साइड लगाएंगे, ये देखिए जैसे हमने उधर लगाया था 7 इंच पे, ऐसा ही हम इधर लगाएंगे। अब इस वाले इंच टेप को हम इस तरीके से मिला के इससे रख देंगे। बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें, जिनको पटियाला सलवार बनाने में आती है दिक्कत तो उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे हल्के हल्के डॉट डॉट लगा देने हैं। वो तो मैं आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ, वरना आप डायरेक्ट भी इंच टेप को रख के कटिंग कर सकते हो। अब एक बार हम इसमें कली की लेंथ देख लेते हैं। कली की लेंथ हमेशा आसन को निकाल के देखी जाती है इस वाली। और देखिए एक चीज और बता दूं, अगर आप कली की चौड़ाई जैसे ज्यादा पहनती हो तो आप इस तरीके से इंच टेप को रखिए तिरछा करके, डेढ़ या एक इंच जितना भी लेना चाहती हैं, फिर उसके बाद इसको ऐसे। लेकिन मैं इसमें कली की चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, मैं डायरेक्ट कटिंग करती हूँ जिससे हमारी सलवार और अच्छी बने। तो देखिए हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल फिक्स आ रही है, यानी कि 35 ही आ रही है और हमें 35 ही चाहिए थी। उससे छोटी अगर मान लो आपकी 33-32 बैठ रही है तो भी आपकी सलवार बहुत अच्छी बनेगी। ऐसा नहीं है कि सलवार ऊंची या नीची बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। अब जैसे जैसे हमने पॉइंट लगाए हैं उन्हीं पॉइंटों के ऊपर अब हमको बस कटिंग करनी है इसकी। अब देखिए यहां से हम इसकी जो ये वाला हिस्सा है इसको अलग कर देंगे ताकि हमें दो कली एक साइड से मिल सके। तो एक आपको कली वाली साइड जॉइंट मिलेगी, एक आपको आसन वाली साइड जॉइंट मिलेगी। फिर उसके बाद ये चार हो जाएंगी। तो फिर हम इसे रख के आपको इसका लुक दिखाएंगे किस तरीके से आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कटिंग की वीडियो भी बना दी है, इसकी स्टिचिंग की वीडियो हमने इससे पहले अपलोड कर दी थी तो वो पार्ट मेरे से डिलीट हो गया था, इस वजह से मुझे दोबारा से आप लोगों के लिए कटिंग की वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि बहुत ही कमेंट्स आ रही थी इस चीज़ पे। तो देखिए कटिंग मैंने आपको बता दी है और प्लेटें डालना मैंने सिलाई की वीडियो में बता रखा है। तो रखने के बाद जैसे कि आपको इसका जो एग्जाम्पल है वो मिल ही चुका है पहले ही, जिन्होंने भी इसकी सिलाई की वीडियो देख ली है। अगर सलवार को खरीदना चाहते हो आप तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताना, eStitching.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, इसके द्वारा आप इसको खरीद सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरे कविता टॉक नाम से चैनल है ब्लॉगिंग का, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप पहले अगर आपने सिलाई की वीडियो नहीं देखी है तो पहले सिलाई की देख लीजिए और कटिंग की वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कटिंग की वीडियो भी बना दी है, इसकी स्टिचिंग की वीडियो हमने इससे पहले अपलोड कर दी थी तो वो पार्ट मेरे से डिलीट हो गया था, इस वजह से मुझे दोबारा से आप लोगों के लिए कटिंग की वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि बहुत ही कमेंट्स आ रही थी इस चीज़ पे। तो देखिए कटिंग मैंने आपको बता दी है और प्लेटें डालना मैंने सिलाई की वीडियो में बता रखा है। तो रखने के बाद जैसे कि आपको इसका जो एग्जाम्पल है वो मिल ही चुका है पहले ही, जिन्होंने भी इसकी सिलाई की वीडियो देख ली है। अगर सलवार को खरीदना चाहते हो आप तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताना, eStitching.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, इसके द्वारा आप इसको खरीद सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरे कविता टॉक नाम से चैनल है ब्लॉगिंग का, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप पहले अगर आपने सिलाई की वीडियो नहीं देखी है तो पहले सिलाई की देख लीजिए और कटिंग की वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी।